दोस्तों, दुनिया भर में क्रिकेट का एक अलग ही महत्व है और ख़ास तौर से भारत में यह युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है और हर रोज पता नहीं कितने युवा एक क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए एक खिलाड़ी को लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर उसे कहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिलता है। हालांकि एक या दो मौके देकर किसी की अक्षमता को जाँचना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक या दो मैच से किसी की प्रतिभा का पता नहीं लग पाता। लेकिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हुए जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया और जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिला तो वहां पर वे फ्लॉप हो गए और फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उस दौरान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे ही प्रतिभाशाली भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर धोनी का साथ मिला होता तो शायद आज वे सुपरस्टार होते। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वसीम जाफर एक अलग ही श्रेणी के खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि वसीम जाफर जैसा सितारा बार बार पैदा नहीं होता और शायद भारतीय टीम ने एक ऐसे सितारे को नहीं पहचाना जो भारत को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था, खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में। वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैचों में 34.10 की औसत से 1944 रन बनाए, जिसमें 5 शतक भी शामिल थे। भारतीय टीम के लिए उनका प्रदर्शन कभी भी खराब नहीं रहा, लेकिन फिर भी धोनी ने उन्हें ज़्यादा मौके नहीं दिए। यहाँ तक कि जब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया उसके बाद भी उन्हें निरंतर मौके नहीं दिए गए। अगर हम वसीम जाफर के घरेलू क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते हुए 19,410 रन बनाए, जिसमें 57 शतक भी शामिल हैं। आप इन्हीं आंकड़ों से वसीम जाफर की प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में जाफर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मनोज तिवारी का हाल भी कुछ जाफर की तरह ही रहा। हालांकि उन्होंने जाफर जैसा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय टीम के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन किया। तिवारी ने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए 12 एकदिवसीय मैचों में 287 रन बनाए, जिसमें 1 शतक भी शामिल है, जबकि 3 T20 मैचों में उन्होंने 15 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें धोनी ने ज़्यादा मौके नहीं दिए। जबकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए 8,930 रन बनाए, जिसमें 27 शतक भी शामिल रहे। ओल्ड स्टेक क्रिकेट में उन्होंने 5,466 रन बनाए, जो कि उनकी प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन उन्हें धोनी का कभी भी निरंतर साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वे सिर्फ एक धुंधला सितारा बनकर रह गए। नमन ओझा। विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा की प्रतिभा का फायदा भारतीय टीम को नहीं मिल पाया, क्योंकि खुद महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर बल्लेबाज थे, जिस कारण उन्हें बार बार भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। नमन बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जाते हैं। नमन ओझा ने भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट मैच में 56 रन बनाए, जबकि एक दिवसीय मैच में मात्र 1 ही रन बनाया था। T20 फॉर्मेट में उन्होंने 2 मैचों में 12 रन बनाए, लेकिन उन्हें इसके बाद कभी भी भारतीय टीम में मौका नहीं मिला। ओझा ने घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9,753 रन बनाए, जिसमें 22 शतक शामिल थे, जबकि लिस्ट ए क्रिकेट में 4,278 रन और T20 फॉर्मेट में 2,972 रन बनाए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का साथ न मिलने के कारण भारतीय टीम के लिए बहुत क्रिकेट नहीं खेल सके। धवल कुलकर्णी भी ऐसे ही खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी निरंतर मौके नहीं दिए। धवल कुलकर्णी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा थी, लेकिन भारतीय टीम को उनकी प्रतिभा का फायदा नहीं पहुंचा। 31 वर्षीय क्रिकेटर ने भारत के लिए 12 एकदिवसीय मैचों में 19 विकेट और 2 T20 मैचों में 3 विकेट लिए, जबकि कुलकर्णी ने घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 86 मैचों में 261 विकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में 119 मैचों में 203 विकेट लिए। लेकिन धोनी का साथ नहीं मिलने के कारण उनका करियर लंबा नहीं रहा। रोबिन उथप्पा। दोस्तों, जब से भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू हुआ था तो तब से लगातार महेंद्र सिंह धोनी ही भारतीय टीम के विकेट कीपर रहे। एक आध मैच को छोड़कर वह कभी भी निरंतर रूप से बाहर नहीं हुए। रोबिन उथप्पा भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल हैं जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे। IPL में रोबिन उथप्पा का प्रदर्शन आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन उन्हें धोनी ने निरंतर मौके नहीं दिए। उथप्पा ने भारतीय टीम के लिए 40 वनडे मैचों में 934
35 रन बनाए और 6 अर्धशतक भी लगाए, जबकि 13 टी20 मैचों में 249 रन बनाए। अगर हम उनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9446 रन बनाए और लिस्ट ए क्रिकेट में 6157 रन बनाए, जो कि उनकी प्रतिभा को बयां करता है।